हाय फ्रेंड्स, ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज का, सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 है। क्वेश्चन नंबर 401 से क्वेश्चन नंबर 450 तक। ये जो सोशियोलॉजी का 10,000 एमसीक्यू सीरीज, ये एनटीए, यूजीसी, नेट और सोशियोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशेंट होगा। आप इसे दो चार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है सोशियोलॉजी, नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। हु सेड कल्चर इज इंटीग्रेटेड लर्न्ड बिहेवियर? हु सेड कल्चर इज इंटीग्रेटेड लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न? कल्चर इज इंटीग्रेटेड लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न। ए वेबर, बी वेबेल, सी डब्ल्यू एफ ऑगबोन और डी मकाइबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, वेबेल ने कहा है कल्चर इज इंटीग्रेटेड लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 402। ए सॉन टचिंग हिज फादर्स फीट इज एन इंस्टेंस ऑफ? पापा के पांव छूना क्या है? ए ए नॉर्म ओनली, बी ए सिंबल ओनली, सी ए सोशल रिलेशन ओनली, डी ए नॉर्म, ए सिंबल एंड ए सोशल रिलेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ये पापा का पांव छूना ये एक नॉर्म भी है, एक सिंबल भी है और एक सोशल रिलेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 403। द इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन कल्चरल एनालिसिस इज? मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जो कल्चरल एनालिसिस में क्या है? ए कल्चर ट्रेट, बी कल्चर बेस, सी कल्चर कॉम्प्लेक्स, डी कल्चर पैटर्न। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कल्चर ट्रेट। कल्चर ट्रेट जो है कल्चरल एनालिसिस में सबसे छोटा एलिमेंट है, उसे और छोटा नहीं कर सकते, है ना। कुछ मतलब कल्चर ट्रेड्स कुछ मिल के वो होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 404। आर्टिफैक्ट्स आर जो विद ने बोला है, जो आर्टिफैक्ट मेंटिफैक्ट्स वगैरह में, ये आर्टिफैक्ट्स क्या है? ए ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, बी कल्चरल प्रैक्टिसेस, सी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय मैन, दी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट मीनिंग, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय मैन। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आर्टिफैक्ट्स जो टूल्स मेड बाय मैन वो आर्टिफैक्ट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 405। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज बाय ए एब्सोल्यूट पावर वेस्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बी प्रीडोमिनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर ओवर ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सी प्रीडोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डी डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी प्रीडोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट हुआ इंडिया में, जैसे 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे लिबरलाइजेशन, न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी कह सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ लेकिन एम्प्लॉयमेंट वैसे नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो करता है, तो ये इसे बोलते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या है, इकोनॉमी ग्रो करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रहता है। क्वेश्चन नंबर 406। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन कल्चर मस्ट बी रिजेक्टेड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन कल्चर मस्ट बी रिजेक्टेड? ये जो स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट हम शुड बी या मस्ट बी रिजेक्टेड? वन कल्चर इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड।
2. Culture is learned. 3. Culture is solely the product of individuals. 4. Culture is a group attribute. एक में देखिए, कल्चर इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, ये गलत है. कल्चर इज नॉट जेनेटिकली ट्रांसमिटेड. 2. कल्चर इज लर्नड, ये करेक्ट है. कल्चर लर्निंग के जरिए गेन होता है. 3. कल्चर इज सोली द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये भी गलत है. कल्चर सोसाइटी का प्रोडक्ट है, ग्रुप का प्रोडक्ट है, नॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट. 4. कल्चर इज ए ग्रुप एट्रीब्यूट. तो इसका करेक्ट मीनिंग जो होगा वो होगा 1 and 3. 1 and 3 जो है वो है गलत स्टेटमेंट है, सो मस्ट बी रिजेक्टेड. 2 और 4 जो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 and 3 मस्ट बी रिजेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 407. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चर आर करेक्ट. कल्चर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. 1. कल्चर इज एसेंशियली एन एट्रीब्यूट ऑफ द ग्रुप, ये सही है. 2. कल्चर इज एसेंशियली एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, ये गलत है. 3. कल्चर इज लर्नड एंड इंक्लूड्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स. 4. कल्चर प्राइमरीली मीन्स गुड टेस्ट इन फैशन एंड आर्ट्स. इसका करेक्ट आंसर जो वो है डी, 1 and 3. 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कल्चर. क्वेश्चन नंबर 408. लोअर क्लास कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लोअर क्लास कल्चर किस टाइप का एग्जाम्पल है. ए डोमिनेंट कल्चर, बी काउंटर कल्चर, सी सब कल्चर, डी नॉन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सब कल्चर. लोअर क्लास कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब कल्चर. क्वेश्चन नंबर 409. विच इज करेक्ट. ए द कैपेसिटी टू लर्न इज डिटरमाइंड बाय कल्चर. बी द कैपेसिटी टू लर्न इज ए फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड स्पेशली द नॉर्म्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस. सी द कैपेसिटी टू लर्न इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट. डी नन ऑफ द अबव. हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, द कैपेसिटी टू लर्न इज डिटरमाइंड बाय कल्चर. ये सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से ये स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 410. कल्चर इज ऑफन नोन एज. कल्चर इज ऑफन नोन एज ए ऑर्गेनिक, बी इनऑर्गेनिक, सी सुपर ऑर्गेनिक, डी नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट मीनिंग करेक्ट आंसर जो है वो है सुपर ऑर्गेनिक. सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर ज्यादा काम किए हैं इसके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर ने. क्वेश्चन नंबर 411. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए कॉन्ट्रा कल्चर्स आर टाइप्स ऑफ सब कल्चर्स. बी सम कॉन्ट्रा कल्चर्स आर सब कल्चर्स. सी सब कल्चर्स आर कॉन्ट्रा कल्चर्स. डी ऑल सब कल्चर्स डेवलप इन टू कॉन्ट्रा कल्चर. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रा कल्चर्स आर टाइप्स ऑफ सब कल्चर्स, है ना. तो सारी सब कल्चर से कुछ सब कल्चर डेवलप हो जाता है कॉन्ट्रा कल्चर में, काउंटर करने लगता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के में या मेन स्ट्रीम कल्चर से. जब सब कल्चर किसी भी सब कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर से काउंटर करने लग जाता है तो वो कॉन्ट्रा कल्चर बन जाता है. तो सेकंड में बी में जो दिया है सब कॉन्ट्रा कल्चर्स आर सम कॉन्ट्रा कल्चर्स आर सब कल्चर्स, नहीं सारी कॉन्ट्रा कल्चर्स जो पहले सब कल्चर ही रहते थे तो सब कल्चर के बाद वो डेवलप होते हैं कॉन्ट्रा कल्चर में, है ना. सब कल्चर्स आर कंट्रा कल्चर सी में जो है नहीं, सारी सब कल्चर्स कंट्रा कल्चर को डेवलप नहीं करते हैं. डी ऑल सब कल्चर्स डेवलप इन टू, नहीं ये गलत है. डी भी गलत है कि सारे सब कल्चर जो है वो कंट्रा कल्चर को डेवलप नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 412. सोशोलॉजी ए
is an objective science, B is a subjective science, C is an attempt to objectively study society, D is not a science. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 430, द गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल कल्चर टेंड्स टू बी, द गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल कल्चर टेंड्स टू बी ए वाइडर इन ट्रेडिशनल फोक सोसाइटीज दैन इन मॉडर्न सोसाइटीज, B wider in modern societies than in traditional folk societies, C wide in all societies, D narrow in all societies. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है wider in modern society than in traditional folk society. Real and ideal culture के बीच में जो gap होता है तो वो modern society में ज्यादा gap देखने को मिलता है. ऑगमन ने भी बोला है जो कल्चर लैग के बारे में है ना, तो ये जो गैप होता है रियल और आइडियल कल्चर के बीच में ये ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में दिखता है. क्वेश्चन नंबर 414, कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल्स लॉ कस्टम्स and any other capabilities and norms acquired by man as a member of society. This statement is attributed to, एक famous statement है, ये statement किसका है? A. L. Kreber, B. E. B. Tyler, C. Ralph Linter और D. Ruth Benedict. इसका correct answer जो है ये है E. B. Tyler. ये E. B. Tyler का famous definition है. क्वेश्चन नंबर 415, आर्टिफैक्ट इज अनदर टर्म फॉर ए नॉन मटेरियल कल्चर, बी मटेरियल कल्चर, सी कल्चर एज ए होल, डी सब कल्चर. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी मटेरियल कल्चर. आर्टिफैक्ट इज अनदर टर्म फॉर मटेरियल कल्चर. क्वेश्चन नंबर 416, अल्फ्रेड वेबर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. अल्फ्रेड वेबर जो है सिविलाइजेशन और कल्चर के डिस्टिंग्विश किया है, तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या है? ए सिविलाइजेशन इज ऑल दैट इज मॉडर्न, कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज ट्रेडिशनल. बी सिविलाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ द होल ऑफ पॉजिटिव नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इज यूनिवर्सली वैलिड एंड कम्युनिकेबल. कल्चर एक्सप्रेसेस द सोल ऑफ ए पीपल, इट इज यूनिक. द स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन प्रीसीड्स द स्टेज ऑफ कल्चर. दिस हैपेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉजिटिव नॉलेज. कल्चर इज ए स्टेट डोमिनेटेड बाई रिलीजन एंड ट्रेडिशनलिज्म. डी नॉन ऑफ द एबव. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी. सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द होल ऑफ पॉजिटिव नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इज यूनिवर्सली वैलिड एंड कम्युनिकेबल. कल्चर क्या है? कल्चर एक्सप्रेस इज द सोल ऑफ ए पीपल, इट इज यूनिक. क्वेश्चन नंबर 417, हु सेड दैट सिविलाइजेशन सिग्निफाइज द डिकेइंग फेज ऑफ कल्चर. हु सेड दैट सिविलाइजेशन सिग्निफाइज द डिकेइंग फेज ऑफ कल्चर. ए ओस्वाल्ड स्प्रिंगलर, बी गिलिन, सी मैकाइवो, डी मालिनोस्की. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए ओस्वाल्ड स्प्रिंगलर. ओस्वाल्ड स्प्रिंगलर ने इसे कहा दैट सिविलाइजेशन सिग्निफाइज द डिकेइंग फेज ऑफ कल्चर. क्वेश्चन नंबर 418, हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड दैट चेंजेस इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कल्चर ऑफ पीपल. ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे किसने कहा दैट द चेंजेस इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कल्चर ऑफ पीपल. A. Maurice Popler, B. Karl Marx, C. Giddens, D. Julian Stewart. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है Karl Marx. Karl Marx
मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाने जाते हैं। तो उनके हिसाब से जो बेस होता है वो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक बेस। तो इकोनॉमिक बेस विल डिटरमिन द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कल्चर, एजुकेशन और दैट काइंड ऑफ थिंग, तो पॉलिटिक्स इनमें से। तो ये जो सारे सुपर स्ट्रक्चर हुआ, कल्चर जो पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हुआ, तो सुपर स्ट्रक्चर बेस डिटरमाइन करेगा सुपर स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स जो है इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट है। तो उनके हिसाब से इकोनॉमी तो बेस, ये बाकी सारी चीज डिटरमिन करता है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 419, अकॉर्डिंग टू मॉरिस ओपलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायनामिक फोर्स इन कल्चर। मॉरिस ओपलर के हिसाब से इनमें से क्या द डायनामिक फोर्स है कल्चर में, डायनामिक फोर्स। ए हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, बी जियोग्राफिकल लोकेशन, सी डोमिनेंट कल्चरल थीम्स, डी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायनामिक फोर्स इन कल्चर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डोमिनेंट कल्चरल थीम्स। डोमिनेंट कल्चरल थीम्स आर द डायनामिक फोर्स इन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 420, असम्पशन है कल्चर चेंजेस स्लोली एंड पार्शियली। रीजन, द आइडियलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग पर्सिस्ट्स लॉन्ग आफ्टर बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम इट। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 421, assertion है सिविलाइजेशन रेफर्स टू द apparatus ऑफ लाइफ। रीजन है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन आर ट्रांजिबल एंड विजिबल, मैकेनिकल एंड एक्सटर्नल। कोर्स है बोथ ए एंड बी एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ये जो मकाइवर एंड पेज बोला है कि सिविलाइजेशन इज द होल अपरेटस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट मकाइवर एंड पेज ने दिया है कि सिविलाइजेशन इज द होल अपरेटस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 422, assertion है the satellite means of communication have made nations vulnerable to foreign influences. Reason, an aspect of civilization is being instrumental in causing cultural invasion. A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन D, A is false but R is true. क्वेश्चन नंबर 423, assertion है सिविलाइजेशन ऑलवेज marches इन ए फॉरवर्ड डिरेक्शन। रीजन, कल्चर कैन मैनिफेस्ट रेट्रोग्रेसिव टेंडेंसी टू। ए बोथ A एंड R are true एंड R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option D, A is false and R is true. Question number 424, assertion है the mercantilism phase witnessed active trade among various countries. Mercantilism phase witnessed active trade among various countries. Reason, airways had become a common and frequent service. A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true.
इसका करेक्ट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मर्केंटलिज्म फेज जो है वो लगभग 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला था वेस्टर्न यूरोप में बेसिकली। तो उस वक्त जो है वो वाटरवेज का फ्रिक्वेंट यूज होने लगा था। वाटरवेज में एशिया अफ्रीका वो सब कंटिनेंट को उनके जो कम्युनिकेशन होने लगा या उनके जो क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल लेने लगे और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट वो सप्लाई करने लगे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को, है ना। तो वाटरवेज का उनके जो क्या बोलेंगे हम डिस्कवरी हुआ वाटरवेज, तो वाटरवेज का डेवलपमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 425 आसन है द सेवेजरी फेज वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। आर रीजन है टेक्नोलॉजी हैज एडेड टू ह्यूमन कॉम्फर्ट्स कोर्स। ए बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी बुथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 426 आसन है द डकाइट्स रिप्रेजेंट ए कॉन्ट्रा कल्चर इन सोसाइटी। रीजन है देयर वैल्यूज आर एम्ड अगेंस्ट दोज शेयर बाय द सोसाइटी। कोर्स ए बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बुथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 425 टोटेमिज्म इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन। टोटेमिज्म इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन। रीजन है टोटेम्स वेयर एस्क्राइब्ड सुपरनैचुरल सिग्निफिकेंस। कोर्स है ए बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बुथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 428 द फ्रेज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज एसोसिएटेड विथ। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज एसोसिएटेड विथ ए इवोल्यूशनिज्म। बी मॉडिफाइड इवोल्यूशनिज्म। सी डिफ्यूजनिज्म। डी कल्चर एरिया अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इवोल्यूशनिज्म। द फ्रेज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज एसोसिएटेड विथ इवोल्यूशनिज्म। इवोल्यूशनिज्म। क्वेश्चन नंबर 429 मॉर्गन पोस्टुलेटेड द फॉलोइंग थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज द सेवेज सोसाइटी द बार्बरिज्म एंड तीसरा क्या है। एक है सेवेज सोसाइटी, दूसरा है बार्बरिज्म, तीसरा क्या है। ए मर्केंटलिज्म। बी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सी कैपिटलिज्म। डी सिविलाइजेशन। मॉर्गन ने जो तीन स्टेजेस के बारे में बोले वो बोले हैं सेवेज बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। वो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी दिए हैं मॉर्गन ने कि ह्यूमन सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड थ्रू थ्री स्टेजेस। फर्स्ट है सेवेज, सेकंड है बार्बरिज्म और थर्ड है सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 430 Tyler made a comparative study of cultures focusing on. किसके ऊपर फोकस करके टाइलर जो है कंपैरेटिव स्टडी किया है कल्चर का। ए क्लॉर्सी। बी मैरिटल बॉन्ड्स। सी आर्ट फॉर्म्स। डी डांसेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आर्ट फॉर्म्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आर्ट फॉर्म्स।
Tyler made a comparative study of cultures focusing on art forms. Question number 431. The value of zero had been independently invented by the. The value of zero had been independently invented by the. A. Greeks, B. Hindus, C. Romans, D. Chinese. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हिंदूस. द वैल्यू ऑफ जीरो हैड बीन इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड बाय द हिंदूस. क्वेश्चन नंबर 432. मॉडिफाइड इवोल्यूशनिज्म होल्ड्स दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इवॉल्व लीनियरली अपवर्ड बट अलोंग ए क्या है. ए टेंजेंट, बी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, सी पैराबोलिक कर्व, डी सर्कुलर ऑर्बिट. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पैराबोलिक कर्व. मॉडिफाइड इवोल्यूशनिज्म होल्ड्स दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इवॉल्व लीनियरली अपवर्ड बट अलोंग ए पैराबोलिक कर्व. क्वेश्चन नंबर 433. कल्चर क्रेज मीन्स ए कल्चर क्या है. ए एरिया, बी सर्कल, सी कॉम्प्लेक्स, डी ट्रेड. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सर्कल. कल्चर क्रेज मीन्स ए कल्चर सर्कल. कल्चर क्रेज जो है वो एक जर्मन वर्ड है ना. जर्मन स्कूल ऑफ कल्चर स्टडी वो एक जर्मन वर्ड है कल्चर क्रेज. इसका मीनिंग है कल्चर सर्कल. क्वेश्चन नंबर 434. ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज कॉल्ड क्या कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर को. ए इंटीग्रेशन, बी डिफ्यूजन, सी इंपीरियलिज्म, डी इन्वेजन. इसका करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन. ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 435. हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द कल्चर क्रेज स्कूल. इनमें से कौन कल्चर क्रेज स्कूल से एसोसिएटेड नहीं है. कल्चर क्रेज स्कूल जो है वो जर्मन स्कूल है ना. तो इनमें से कौन जर्मन से नहीं है आप पहचान लोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. ए ग्राइबनर, बी अंकरमैन, सी स्मिथ, डी मीड. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मीड. बाकी तीनों जर्मन से है, मीड यूएसए से है. क्वेश्चन नंबर 436. क्लार्क ओस्लर डिफाइन द आइडिया ऑफ कल्चर. क्या डिफाइन किया है द आइडिया ऑफ कल्चर. आंसर ऑप्शंस है ए एरिया, बी सर्कल, सी कॉम्प्लेक्स, डी पैटर्न. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एरिया. कल्चर क्लार्क ओस्लर डिफाइन द आइडिया ऑफ कल्चर एरिया. कल्चर एरिया के बारे में क्लार्क ओस्लर ने बोला है. क्वेश्चन नंबर 437. अकॉर्डिंग टू ओस्लर लॉन्ग डिस्टेंसेस माउंटेन्स ओशंस एंड डेजर्ट्स प्रूव्ड टू बी डैश बैरियर्स टू कल्चर डिफ्यूजन. अकॉर्डिंग टू ओस्लर लॉन्ग डिस्टेंसेस माउंटेन्स ओशंस एंड डेजर्ट्स प्रूव्ड टू बी डैश बैरियर्स टू कल्चर डिफ्यूजन. ए इनइफेक्टिव, बी इनसिग्निफिकेंट, सी इफेक्टिव, डी पार्शियल. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी. अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ लॉन्ग डिस्टेंसेस माउंटेन्स ओशंस एंड डेजर्ट्स प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव बैरियर्स टू कल्चर डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 438. पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ टू कल्चर एरियाज आर सेड टू बी लिविंग इन. दो कल्चर एरिया के बॉर्डर में जो लोग रहते हैं क्या कहेंगे वो कहाँ रह रहे हैं. ए पैरेलल एरियाज, बी कॉन्सेंट्रेट कल्चर्स, सी मार्जिनल एरियाज, डी ओवरलैपिंग कल्चर्स.
इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मार्जिनल कल्चर्स, दे आर लिविंग इन मार्जिनल एरियाज, मार्जिनल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 439, एलियट स्मिथ एंड डब्ल्यू जे पेरी वे डेज डिफ्यूजनिस्ट, ए इजिप्शियन, बी ब्रिटिश, सी जर्मन, डी अमेरिकन। एलियट स्मिथ और डब्ल्यू जे पेरी ये कहाँ से थे? इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्रिटिश। ये थे ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट, एलियट स्मिथ एंड डब्ल्यू जे पेरी वे ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 440, एलियट स्मिथ बिलीव दैट कल्चर हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम, कल्चर जो है पूरी दुनिया को स्प्रेड हुआ कहाँ से? ए ग्रीस, बी चाइना, सी इंडिया, डी इजिप्ट। इसका करेक्ट आंसर है वो है इजिप्ट। एलियट स्मिथ बिलीव्ड दैट कल्चर हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 441, द ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट बेस्ड देयर थ्योरी ऑन, किसको किस पे बेस करके ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट ने उनके थ्योरी बिल्डअप किया? ए द स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट, बी केव ड्रॉइंग्स, सी ट्रैवलर्स रिकॉर्ड्स, डी इनसफिशियंट एंड अनरिलायबल डेटा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, इनसफिशियंट एंड अनरिलायबल डेटा। द ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट बेस्ड थ्योरी ऑन इनसफिशियंट एंड अनरिलायबल डेटा, इसी वजह से उनको उनके क्रिटिक्स ने ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इस पॉइंट पे कि वो जो इनसफिशियंट अनरिलायबल डेटा पे उनके थ्योरी बिल्डअप किया है डिफ्यूजनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 442, कल्चर्स आर जनरली सीन टू बी डेस सिस्टम्स, कल्चर्स आर जनरली सीन टू बी डेस सिस्टम्स, किस टाइप का सिस्टम है कल्चर्स? ए स्पेसिफिक, बी कोऑपरेटिव, सी इंटीग्रेटेड, डी फंक्शनल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड। कल्चर्स आर जनरली सीन टू बी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 443, मालिनोस्की बिलीव्ड इन कल्चरल, किस टाइप का आइडिया था मालिनोस्की का? ए सिंगुलरिटी, बी स्प्रेड, सी यूनिवर्सलिटी, डी प्लोरलिज्म। मालिनोस्की बिलीव्ड इन कल्चरल क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्लोरलिज्म। मालिनोस्की बिलीव्ड इन कल्चरल प्लोरलिज्म कि सेम प्रॉब्लम है, डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेगा, है ना? तो डिफरेंट सोसाइटी विल गिव डिफरेंट सॉल्यूशंस टू सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम यूनिवर्सली कुछ जज कर लेंगे कि ये यूनिवर्सलिटी गलत होगा, है ना? कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी के हिसाब से वो डिफरेंट होगा सॉल्यूशन, दूसरा टाइप का निकल सकती है। तो मालिनोस्की बिलीव्ड इन कल्चरल प्लोरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 444, रेडक्लिफ ब्राउन एम्फसाइज्ड कल्चर इंटीग्रेशन एज वाइटल फॉर, कल्चरल इंटीग्रेशन किसके लिए वाइटल है? ए सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, बी परपेचुएशन ऑफ कल्चर, सी एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, डी फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। रेडक्लिफ ब्राउन एम्फसाइज्ड कल्चर इंटीग्रेशन एज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 445, मालिनोस्की डिफाइंड मैन्स नीड्स एज इंडिविजुअल बायोसाइकिक एंड, तीसरा क्या है? मालिनोस्की डिफाइंड मैन्स नीड्स एज इंडिविजुअल, देन बायोसाइकिक
तीसरा क्या है? ए स्पिरिचुअल, बी सोशियो कल्चरल, सी एस्थेटिक, डी पॉलिटिकल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी सोशियो कल्चरल। मालिनोस्की डिफाइन मेंस नीड्स एज इंडिविजुअल, बायोसाइकिक एंड सोशियो कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 446। रूथ बेनेडिक्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश ऑफ कल्चर। कौन सा कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट ने दिया? ए डिजाइन्स, बी ग्राफ्स, सी कॉम्प्लेक्सेस, डी पैटर्न्स। रूथ बेनेडिक्ट जो है वो ये कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, रूथ बेनेडिक्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 447। अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट ईच सेगमेंट ऑफ कल्चर हैड ए स्टाइल एंड दीज सेगमेंटल स्टाइल्स फॉर्म द सुपर स्टाइल ऑफ द कल्चर। दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट ईच सेगमेंट्स ऑफ कल्चर हैड ए स्टाइल एंड दीज सेगमेंटल स्टाइल्स फॉर्म्ड द सुपर स्टाइल ऑफ द कल्चर। दिस इज कॉल्ड ए इवोल्यूशनिज्म, बी फैशन, सी ब्यूरोक्रेसी, डी कॉन्फिग्रेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन डी कॉन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 448। द मेन टेंडेंसी ऑफ ए कल्चर मे बी कॉल्ड इट्स। द मेन टेंडेंसी ऑफ ए कल्चर इसे हम क्या कह सकते हैं? ए एडोस, बी जीनियस, सी एथोस, डी एसेंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी जीनियस। द मेन टेंडेंसी ऑफ ए कल्चर मे बी कॉल्ड इट्स जीनियस। द मेन टेंडेंसी ऑफ ए कल्चर। क्वेश्चन नंबर 449। द अपोलोनियन जीनियस रिप्रेजेंट्स। द अपोलोनियन जीनियस रिप्रेजेंट्स ए काम एंड कंपोजर, बी स्टॉर्म, सी मैजिक, डी साइंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है काम एंड कंपोजर। उनके जो कल्चर का मेन एलिमेंट है वो है काम एंड कंपोजर। उनके मेन एस्पेक्ट जो है उनके कल्चर का तो जीनियस अपोलोनियन जीनियस है काम एंड कंपोजर। क्वेश्चन नंबर 450 ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। द डायोनिशियन जीनियस रिप्रेजेंट्स ए पीस एंड ट्रांक्विलिटी, सी क्योस, बी क्योस, सी रिलीजियन, डी स्टॉर्म। डायोनिशियन जीनियस किस टाइप का है ना? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्टॉर्म। द डायोनिशियन जीनियस रिप्रेजेंट्स स्टॉर्म। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।